एटमॉस्फेयर है, बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत ही एनर्जेटिक है। बिल्कुल, यहाँ बाहर एटमॉस्फेयर एनर्जेटिक और यू नो चुलबुला है, लेकिन अंदर बहुत सीरियस काम चल रहा है। और मैं शायद सीरियस काम में से थोड़ा सा यहाँ क्या कहते हैं उसे गुडली मारकर यहाँ बाहर यू नो यंग लेडीज़ के साथ घूम रहा हूँ, लेकिन अंदर बहुत सीरियस काम चल रहा है और मैं काफ़ी उसका मिस कर रहा हूँ। बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ वेरी 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 रिस्पॉन्सिबल वर्क, और हम लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये जूरी जो वोटिंग होती है वो कर रहे हैं अंदर, और वक्त लेकर। वरना इतने सारे लोगों को मतलब सुबह से लगे हुए हैं और यू नो अब तक काम ख़त्म नहीं हुआ है। सो पर इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर हम म्यूज़िक मिर्ची की बात कर रहे हैं तो इट्स अ म्यूज़िक अवार्ड, और म्यूज़िक अवार्ड में जो म्यूज़िक से जुड़े लोग हैं उन्हें अपनी वर्डिक्ट देनी है, तो ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बात है जो हमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जिम्मेदारी के साथ करना है। कहना मुश्किल है, कुछ गाने बहुत पॉपुलर हुए हैं, कुछ गाने बहुत अच्छे हैं लेकिन इतने पॉपुलर नहीं हुए। आज मैंने ऐसे काफ़ी सारे ऐसे गाने सुने जो मैंने पहली बार मैंने सुना लेकिन मुझे बहुत पसंद आए, बहुत अच्छे लगे। कुछ जो याद आ रहा है मुझे, एक आध जो एक रफू गाना मैंने कभी सुना नहीं था तुम्हारी सुलू से, वो गाना मुझे बहुत पसंद आया। फिर एक और गाना भूमि का एक गाना मैंने सुना, अभी गाना याद नहीं आ रहा है, आई थिंक एक बहुत ही प्यारा गाना था, वेरी नाइस कॉम्पोजिशन। फिर फिलोरी से कुछ गाने कुछ अलग कमाल लगे जो मैंने पहले नहीं सुने थे, तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग गानों को मैंने सुना और इन्जॉय किया। और आई थिंक बट आई एम श्योर कि जो बड़े फिल्मों के जो गाने हैं कहीं ना कहीं लोगों की नज़रें और यू नो जो लोग भी जो शो को देखेंगे म्यूज़िक मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स को, तो वो चाहेंगे कि ये गाने आए, चाहे टाइगर जिंदा हो है हो या फिर हैरी मेट सेजल या इस लेवल के जग्गा जासूस, यू नो दिस द सॉन्ग्स आर ऑलरेडी वेरी पॉपुलर, हाफ गर्लफ्रेंड। तो कहीं ना कहीं आई एम थिंकिंग दैट दीज आर द साउंड ट्रैक्स जहाँ के गाने ज़्यादा सामने आएंगे। रईस के गाने भी काफ़ी पॉपुलर हैं, सो दीज माइट बी द साउंड ट्रैक्स दैट वील गेट टू सी। बरेली की बर्फी, तो ऑब्जेक्टिवली बहुत ही मतलब दिल से बहुत ही ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे गाने हो जिनमें कुछ फ्रेशनेस हो, जिसमें नयापन हो, जिन गानों को सुनकर लगे कि हाँ यार कोई नई चीज़ बनी है। तो अगर जिस गाने में वो रिक्रिएशन वाले गाने हैं तो वो तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उनको फिर से अवार्ड देने का मतलब तो नहीं बनता। तो जो ओरिजिनल गाने हैं और जिनमें ओरिजिनैलिटी है उनको थोड़ा प्रायोरिटी देता हूँ। जैसे अगर वोकलिस्ट की बात है तो जिन वोकल आवाज़ों में ट्यूनर कम लगा हो, जिनको आप और साफ सुन सकते हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। जिनमें गायकी है, जिनमें थोड़ी सी एक सिंगिंग की वैल्यूज़ हैं, एस्थेटिक्स हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। तो इस तरह से कर रहे हैं। एक और गाना मुझे बहुत पसंद आया अचानक से, अभी यहाँ जैसे सुन रहा, बाहुबली का गई गाना बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मधुश्री की आवाज़, आई हैड नॉट हर्ड दैट सॉन्ग, वेरी नाइस सॉन्ग। बस कल भी एक मैशअप सा किया हूँ, नए ओरिजिनल की बात करते करते मैंने अचानक, लेकिन ये जिंदगी कैसी है पहली हाय उसके साथ अजीब, हाँ उसके साथ मैं अजीब दास्तां है ये, तो उसका मैशअप किया हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी गाने किए जा रहा हूँ, और दुख की बात है कि मेरे किसी गाने को नॉमिनेशन नहीं मिला, ना सुरीली को ना जानिए को, लेकिन कोई बात नहीं, आई ट्राई बेटर दिस ईयर एंड मेक बेटर सॉन्ग्स। मेरी जुबान पे एक गाना हमेशा इसलिए रहता है क्योंकि मेरी बीवी की फेवरेट गाना है, और जब भी जाता हूँ घर पे वही सुन रही है वो, तो उसके उसका फर्स्ट लाइन में हमेशा कन्फ्यूज हो जाता हूँ, बट जो तुझे क्या था फर्स्ट लाइन क्या है, जालिमा हाँ वो सब ब्रेकिंग है, जो तेरी खातिर तरसे तड़पे, जो तेरे खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना, ओ जालिमा ओ जालिमा।
बेटा, एक तो बहुत खुशी है क्योंकि रेडियो मिर्ची ये जो कोशिश कर रही है म्यूजिशियंस को, म्यूजिक डायरेक्टर्स को और म्यूजिक से जुड़े तमाम लोगों को, और ये सही मायने में अवार्ड है क्योंकि इसमें वो लोग जुड़े हुए हैं जो म्यूजिक को समझते हैं, लिरिक्स को समझते हैं। सो हम लोग, मेरे ख्याल से मैं शुरू से, जब से जूरी है शुरू हुई तब से मैं इसमें हूँ, इन्वॉल्व हूँ, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, और कोशिश रहती है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको सही मार्ग दिशा मिले और वो लोग सही रास्ते पे चलें, अच्छा काम करें। सो मैं इन लोगों को बहुत बधाई देता हूं, और मेरे ख्याल से ये एक इकलौती म्यूजिक कंपनी है जो इस तरह का प्रयास कर रही है। बाकी लोगों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि क्या है, हमारी जो दुनिया है म्यूजिक वर्ल्ड के जो लोग हैं ना, वो बिहाइंड द स्क्रीन होते हैं, उनको लोग पहचानते नहीं, उनको नाम से जानते बढ़ जाए, बट ऐसे अगर अवार्ड शुरू हो जाए तो लोग उनको भी रिकॉग्नाइज करना शुरू करेंगे, उनको भी जो जगह मिलनी चाहिए वो मिले। साल में एक बार आता है सर, क्या है या साल में एक बार आता है सर, कितने एक्साइटेड होते हैं इस मोमेंट को लेकर? बहुत बहुत हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, और हमारी पूरी टीम रहती है, बहुत मज़ा आता है देख के उनको, और यहाँ आके सुन के, और नया क्या हो रहा है इसको जान के, और इसमें क्या नए पुराने सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल पुराने लोग जज कर रहे हैं, सारे नए लोग भी हैं। सो दोनों लोग मिलके एक अच्छा सिलेक्शन होता है, और एक अच्छी जो अवार्ड की घोषणा होती है बहुत अच्छी होती है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा अटैम्प्ट है जो होते रहना चाहिए। Thank you everyone for the Do you remember it's taking just a little time? Thank you.
दिस इज मी अनु मलिक. हाय गाइस. या देखिए, जल्दी से हम अनाउंस तो नहीं कर सकते अभी, तो जो हमने डिसीजन लिया है वो तो सबके सामने आ ही जाएगा 28 को. लेकिन एक बात है कि बड़े इंटरेस्टिंग एल्बम्स और इंटरेस्टिंग सिंगर्स को हमने सुना, और खुशी होती है कि हमारी जो यंग ट्राइब है, जो यंग कंपोजर्स हैं, यंग सिंगर्स हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं टू टेक आवर म्यूज़िक फॉरवर्ड. मिर्ची अवार्ड्स का देखो, अभी आज केक कटिंग भी हुई है. केक कटिंग इसलिए हुई क्योंकि 10 साल हो गए, आई जावेद साहब एंड सो मेनी अदर्स हैव बीन एट द फोरफ्रंट राइट फ्रॉम द फर्स्ट मिर्ची अवार्ड टिल टुडे. तो 10 साल ऐसा लगता है 10 दिन की तरह निकल गए, एंड बड़ी खुशी होती है. और कुछ ऐसे गाने, सबसे बड़ी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है हमारे मिर्ची अवार्ड्स की, ऑनरिंग म्यूजिशियंस जिन्होंने बहुत काम किया. जैसे आप छोटे छोटे लोग, आप बच्चे हो, लेकिन आपके पैदा होने से पहले जो हम जब छोटे थे वो हमारे लिए कोई गिटार बजाता था, कोई सिंथेसाइजर बजाता था, कोई कंडक्ट करता था, कोई अरेंजमेंट्स करते थे. तो उनको जो ऑनर किया जाता है, और एक बेस्ट एल्बम ऑफ द 1950s में तो 5-10 एल्बम्स होते हैं, उससे हम चुनते हैं कि विच इज़ द बेस्ट जिसने हमारा दिल छुआ है. तो काफ़ी नई नई चीज़ें होती है रेडियो मिर्ची अवार्ड्स में, और इट्स प्रीडोमिनेंटली अ म्यूज़िक अवार्ड जहाँ संगत और संगीत का संगत होता है, संगीतकारों का होता है, सिंगर्स का होता है, लिरिक राइटर्स का होता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी आते हैं. तो अच्छा माहौल होता है, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. मेरा तो एक ही फेवरेट है, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है कैसे मैं आऊं दिल रजामंद है. दैट्स मी, दैट्स सलमान, एंड दैट्स नाउ वरुण धवन, दैट्स साजिद नडियाडवाला, एंड दैट्स डेविड धवन. इसमें शायरी भी थी. हां ये बिल्कुल सही है कि मतलब जिस सिंगर ने बहुत अच्छा गाया है या जो लिरिक्स बहुत ही अच्छा है, जिस गाने का कंपोजिशन बहुत अच्छा है, हमने उन्हीं सब चीज़ों को चुना है. और मुझे लगता है कि बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, क्योंकि एक से एक जूरी यहाँ हैं और हम सब लोग सुबह से ही लगे हुए हैं, तो फाइनल टच जिसको बोलते हैं ना, वो कमाल होने वाला है. सर ये कहना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, समझा करो आप, क्योंकि टाइगर जिंदा है कि भी म्यूज़िक बहुत अच्छे हैं, फिर कई फिल्मों के गाने अच्छे हैं, जो बारिश वाला गाना बड़ा अच्छा है, तो बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं. ऐसा नहीं किसी एक को ये नहीं कह सकते कि एक बहुत अच्छा है, लेकिन जो टोटलिटी होती है ना, कि पूरा एल्बम में 3-4 गाने बड़े अच्छे हैं, तो टाइगर जिंदा है कभी बहुत अच्छा म्यूज़िक है,
पर कई फिल्में हैं, मैं यहाँ नाम भूल गया हूँ ज़रा, तो मुझे बहुत तगड़ा कंपटीशन है, मतलब इजी कंपटीशन नहीं है, और फाइनल टच जो है बहुत अच्छा है। देखिए जूरी कभी पहले ये तो बताती नहीं है कि कौन से गाने, में यही कहूँगी कि इस बार इस पूरी जूरी का 10 साल वो मना रही है, तो जो 10 साल से रेगुलर आ रहे हैं तो उनकी निगाह और नियत और कान इसमें कान ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत साफ़ हैं, पर नए लोग बहुत अच्छी तरह से सामने आए हैं, और जो भी कुछ कॉम्पिटिशन में हैं वो बहुत अच्छी बात है कि यंगर जनरेशन आ रही है और अच्छा लिख रही है, अच्छा गा रहे हैं, अच्छा कंपोज कर रहे हैं, उन्हीं में कोई कंपटीशन है, नाम तो रिवील करना मुश्किल है, पर कुछ जो थोड़े से पुराने हो गए हैं और फिर भी नए थे हमारे हिसाब से, तो वो तो अभी छाए हुए हैं, तो पता नहीं क्या निकल कर के आएगा। द लास्ट वर्डिक्ट जो है वो ऐसा, जिस तरह का सिस्टम है कि जो आखिरी हमने जो नंबर दिया वो हमें भी नहीं पता, हमने चुना नहीं है उसका, जो 5 तक हमें मालूम होता है कि भाई 15 आए, 15 में से हम 5 चुनते हैं, उसके बाद हमें मालूम है ये 5 आए, अब उन 5 में से हमने वोट दे दिया, वो एक कौन हुआ है उसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। आई विश ऑल द न्यू कमर ऑल द बेस्ट, और आप इसको रेडियो मिर्ची की तरह से ही माने कि जैसे मिर्ची तीखी होती है उसका असर होता है, अगर कोई बात जो आदमी हार जाता है उसको भी समझना चाहिए कि ये मिर्ची का सा स्वाद है, और जो जीत जाता है वो भी उसका, कई तरीके के स्वाद होते हैं ना, तो बट हार या जीत से मतलब नहीं, मतलब ये है कि वो 5 में आ चुके हैं और इतना अच्छा गा रहे हैं, नए लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे आए हैं। नहीं नहीं, मैं जिस कुर्सी पे बैठी हूँ उस कुर्सी पे ये कह पाना मुश्किल है कि कौन सा वाकई में बहुत अच्छा गाना है, पर ये ज़रूर कहूँगी, जो मुझे कहना नहीं चाहिए, कि अब कंपोज़र्स को और गाने वालों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो अलग लग के ऐसे दिखे कि ये लता जी हैं या आशा जी हैं, ये ओपी नैयर हैं, ये लक्ष्मीकांत हैं, वो सारे गाने एक से साउंड कर रहे हैं, इसलिए हमारा ज़्यादा जो हमारी कोशिश है वो ज़्यादा दिक्कत में पड़ गए कि सारे गाने अगर एक से लगेंगे तो बताइए कब तक चलेंगे। तो ये तो मेरा कहना है कि आउट ऑफ द जूरी मैं कहूँगी कि जीते चाहे कोई भी, पर कंपोज़र को ये कोशिश करनी चाहिए कि कंपोजिशन अलग अलग किस्म से बनाए, लिखने वाले को ये कोशिश करनी चाहिए, इसके लिए उनको पुराना सुनना बहुत ज़रूरी है, नया लिखना चाहिए पर पुराने को सुनना चाहिए कि क्यों वो, अब वो भी तो नए होंगे ना कभी अपने ज़माने, वो भी नए होंगे, तो ये सुने ज़रूर पर लिखें अपने अंदाज में अपने तरीके से। थैंक यू। हाँ थोड़ा जी जी, अब ये तो राज की बात है, ये तो 28 तारीख को राज खुलेगा, लेकिन काफ़ी बड़ी जूरी थी और सबके सहयोग से ये काम हुआ है, और मुझे लगता है कि सबके साथ में न्याय होगा, किसी को भी मतलब ऐसा है नहीं कि कोई पर्सनैलिटी हो या कोई मतलब किसी का किसी की फेवर की जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर फील्ड से लोग हैं इसमें, डायरेक्टर भी हैं इसमें, लिरिक राइटर भी हैं इसमें, म्यूज़िक डायरेक्टर भी है इसमें, म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं उसमें, सिंगर्स भी हैं, तो सब लोगों का मिल करके एक मिला जुला जो है ये सबकी एफर्ट है, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने कोशिश की है कि ये अवार्ड जो है वो जो डिज़र्विंग है उनको ज़रूर मिले। नहीं जी, क्या एल्बम की बात करें तो हाफ़ गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी थी, रईस बहुत अच्छी थी, फिल्लोरी जो है उसका बड़ा फोकिश म्यूज़िक था, तो ये 4-5 फिल्मों का काम जो है वो बहुत ही अच्छा हुआ है और सबने अच्छा काम किया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यूनानिमस वोट किसे मिलता है वो जीत जाता है, तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, सबको दिली बधाई देता हूँ जिन्होंने 2017 में इतना खूबसूरत काम किया है, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। मुश्किल था इसे फाइनलाइज करना? बहुत मुश्किल था,
क्योंकि बहुत जब टफ कंपटीशन हो जाती है सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं. बात यह है कि इतने अच्छे लिरिक्स, इतने अच्छे म्यूज़िक, इतनी अच्छी सिंगिंग और कंपटीशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि बिल्कुल नेक टू नेक चलता है, तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल होती है. और लेकिन रिजल्ट तो देना है, किसी ना किसी को तो जीतना है, तो हार जीत तो खैर एक फॉर्मेलिटी होती है, बाकी काम सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं. अभी इतना जो है गला बिल्कुल एकदम बैठा हुआ. चलो आ जाओ. फाइनलाइज तो हमें भी नहीं पता यार क्या हुआ, बस ये है कि वोटिंग हुई है और वोटिंग हम सब लोग करके आ गए हैं. अब उसमें से वोटिंग का रिजल्ट तो उसी दिन पता चलेगा, वोटिंग का रिजल्ट जिस दिन अवार्ड होगा. वोटिंग हमने बहरहाल कर दी है, सुबह 11:30 से अभी 5:30 होने को आए हैं. सो वी हैव डन आवर जॉब, लेट्स सी. मेरे सारे ही गाने यार, जो भी गाना आता है 2017 में हो या 2016 में हो या 2018 में, जो भी गाना आएगा, सब गानों के पीछे जो भी लिखने वाले होते हैं, जो भी कंपोज करने वाले होते हैं या गाने वाले होते हैं, उनकी एक मेहनत लगी होती है. वो हर गाने को उतने ही प्यार से बनाते हैं, उतने ही प्यार से कंपोज करते हैं, गाते हैं, लिखते हैं. अब ये सुनने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कौन से गाने को वो पसंद करते हैं या कौन से गाने को नहीं पसंद करते. जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरा कंसर्न है, बिकॉज आई नो कि एक गाने के पीछे कितनी मेहनत होती है, तो मेरे सारे के सारे गाने फेवरेट हैं. और मैं 2017 में जितने भी लोगों ने काम किया है उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और बेस्ट विशेस भी देता हूँ 2018 के लिए. अच्छी बात है, मतलब और बेटर चीज़ें हो रही हैं, होंगी, 10 साल हो गए हैं और मेरी दुआ है कि ये और अच्छे तरीके से आने वाले 50-100 साल तक चले अवार्ड. थैंक यू वेरी मच. बहुत सारे ये इसमें आने में मेरे को मज़ा आता है बिकॉज सबके साथ मुलाकात होता है. इधर बहुत सारे जूरी मेंबर है लाइक हु आर फ्रॉम द इंडस्ट्री, हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, वेरी वेरी थिक पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. हो म्यूजिशियन हम लोग, कंपोजर, लिरिसिस्ट, सिंगर्स, डायरेक्टर्स, सब एक मतलब बहुत सारे जूरी मेंबर है. इट्स नॉट लाइक वन थिंग. एंड आई love coming here because I get to meet everybody. Like सबको hello बोलने के लिए एक साल में एक बार होता है जो मुलाकात हो जाता है, तो उसीलिए मज़ा आता है. और obviously since सब एक साथ मुलाकात होता है एक बार, तो सो एनर्जी तो हाई रहता है, like सब खुश रहते हैं. मेरा वाला मेरा मेरा करीबी सॉन्ग 2017 का मेरा नहीं है, वो एक्चुअली सचिन जी का है. आई लव माना के हम यार नहीं, आई थिंक दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग. मेरा खुद का सबसे करीबी सॉन्ग है घर, जब हैरी मेट सेजल से, या यादों में हैरी मेट सेजल से, फिर वही और मुसाफिर जग्गा जासूस से, फिर ट्यूबलाइट से मेरा फेवरेट है. मैं अगर किसका ओके से कभी है मेरा यकीन, मैं तो तेरा ना हुआ. तेरे को लिरिक्स याद है? किसी का नहीं. हवाई हवाई का लिरिक्स याद है? लिरिक्स याद, लिरिक्स हाँ. एक मिनट में स्केल देखो. तुझको रख लूँ यहाँ,
क्या बात है, सुरेन गा देगा आपके लिए, तेरे को भी लिरिक्स याद है। तेरा ना हुआ, एक मिनट रुको, मैं लिरिक्स वीडियो देख के बोलता हूँ। ये तो लिरिक्स वीडियो हो गया यार, लिरिक्स इधर कॉल, आई हैव नो सिग्नल, उधर से गा दो। तुझको मैं रख लूँ वहाँ जहाँ से कहीं है मेरा यकीन, मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं, ले जाए जाने कहाँ हवाए हवाए, ले जाए तुझे कहाँ हवाए हवाए, बेगानी है ये बागी हवाए हवाए, ले जाए तुझे कहाँ हवाए हवाए, ले जाए तुझे कहाँ, ना मुझको खबर ना तुझको पता, ओ ओ ओ ओ फिर आप गाइए। चेहरा क्यों मिलता तेरा ख्यालों से मेरे, ये क्या बात है। ओके, चेहरा क्यों मिलता तेरा ख्यालों से, ये क्या बात है, ये क्या राज है। चेहरा क्यों मिलता तेरा ख्यालों से मेरे, ये क्या राज है, कल भी मेरी ना थी तू ना होगी तू कल मेरी आज है। क्या लाइन है ये, क्या लाइन है इरशाद भाई। कल भी मेरी ना थी तू ना होगी तू कल, ना होगी तू कल मेरी आज, मेरी आज है। अरे इरशाद भाई थैंक यू। सॉरी यार, गाना उधर से लग रहा मेरा गलत लिरिक्स में फील ज्यादा था।